एक बड़ी खबर आ रही है जिससे आपको रूबरू करवा दे। मनीष सिसोदिया ने बड़ा आरोप दिल्ली पुलिस पर लगाया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली पुलिस अरविंद केजरीवाल यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री से उन्हें मुलाकात नहीं करने दे रही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने यह आरोप लगाया है दिल्ली पुलिस के ऊपर कि सीएम केजरीवाल से पुलिस मिलने की अनुमति नहीं दे रही है। दरअसल सीएम केजरीवाल से मिलने के लिए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहुंचे हुए हैं और दिल्ली पुलिस पर सीएम को हाउस अरेस्ट करने का आरोप डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने लगाया है। दरअसल कल ही सीएम केजरीवाल किसानों के बीच पहुंचे थे। उन्होंने भारत बंद का समर्थन किया था और कहा था कि आम आदमी पार्टी किसानों के भारत बंद का समर्थन करती है और ऐसे में आज हाउस अरेस्ट करने का आरोप लगाया है डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल के हाउस को अरेस्ट करने का दिल्ली पुलिस के ऊपर। इस वक्त की बड़ी जानकारी से फिलहाल आपको रूबरू करवा रहे हैं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का कहना है कि अरविंद केजरीवाल से मिलने नहीं दिया जा रहा है, हाउस अरेस्ट कर दिया गया है आज। तो बड़ा आरोप यहां पर लगा है दिल्ली पुलिस के ऊपर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की ओर से। तो टकराव हर जगह देखने को मिल रहा है। सरकार और किसान आमने सामने है, सरकार और विपक्ष आमने सामने है। अनिल सिंह मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, बड़ा आरोप डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने लगाया दिल्ली पुलिस के ऊपर। देखिए, जिस तरीके से अगर हम बात करें कि सुबह भी दल के प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज, उन्होंने भी एक ट्वीट के जरिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आरोप लगाया था कि दिल्ली के अंदर जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल हैं उनको नजरबंद कर दिया गया है। इसी को लेकर तमाम आरोप लगाए गए थे कि उनको किसानों से नहीं मिलने दिया जा रहा है, जबकि वो किसानों से मिलना चाहते थे क्योंकि आज किसानों ने अपनी मांगों को लेकर भारत बंद का आह्वान किया और अरविंद केजरीवाल ने उसका समर्थन भी किया था और वो ये जाना चाहते थे कि वो उस बॉर्डर पर जाकर किसानों के की मांग का समर्थन करें। इसलिए पुलिस आम आदमी पार्टी का कहना था कि उनको नजरबंद कर दिया गया है, उनको किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा। और वही बात अभी डिप्टी सीएम ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर जब उन्होंने कॉन्फ्रेंस किया उस वक्त दौरान बोला कि यहाँ पर भी अरविंद केजरीवाल को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, जबकि हम यहाँ उनसे मिलने आए थे, हमको भी नहीं मिलने दिया जा रहा है, उनको किसी से भी नहीं मिलने दिया जा रहा। हालांकि इसका खंडन जो है बीजेपी ने भी किया है और साथ साथ दिल्ली पुलिस ने भी किया है कि बीजेपी ने का कहना था कि जो आरोप लगाया बीजेपी ने उनका कहना था कि केजरीवाल ने किसी भी तरीके का कोई काम नहीं किया है तो उन्होंने नजरबंद नहीं किया गया बल्कि उन्होंने लोगों से नजरें चुराना शुरू कर दिया। तो वहीं दिल्ली पुलिस का कहना था कि उनको वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो कहीं भी आ जा सकते हैं, उनको किसी भी तरीके का नजरबंद नहीं किया गया है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो नजरबंद को लेकर भी दिल्ली में जहां आम आदमी पार्टी और विपक्ष चाहे वो बीजेपी हो या फिर पुलिस, क्योंकि पुलिस की अक्सर जो है अरविंद केजरीवाल विपक्ष की ही भूमिका में रखते हैं, तो दोनों पे ही वो एक कहा जाए तो सियासी खेल खेला जा रहा है कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि उनको नजरबंद किया गया है, तो वही दिल्ली पुलिस और बीजेपी कह रही है कि उनको नजरबंद नहीं किया गया है, वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है। हालांकि बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने एक वीडियो भी दिखाया था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, कुछ देर पहले भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें दिखाया था कि अरविंद केजरीवाल बाहर से कहीं गए थे और उसके बाद वापस अपने घर में आए थे। उनका कहना था कि अगर वो जब नजरबंद है तो कैसे बाहर गए और कैसे बाहर से फिर वापस अपने घर की तरफ आ रहे। तो कुल अगर कहा जाए तो इसको लेकर खूब दिल्ली के अंदर काफी सियासत खूब हो रही है, तो राजनीतिक रंग भी चढ़ता हुआ दिख रहा है यहाँ पर भारत बंद पर। शुक्रिया अनिल जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों से रूबरू करवाने के लिए।